गुड मॉर्निंग। सो करंट अफेयर्स के एक और सेक्शन में हम लोग स्टार्ट करते हैं, और आज का सेक्शन है अपने पास स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में एक ही चीज़ आ रही है, जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, तो उसी के बारे में आपका ये वीडियो है कि कौन कौन से इवेंट्स कब कब होने थे और वो अब नहीं होगा, और फिर फर्दर नोटिफिकेशंस आएंगे इनकी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंडर 17 वोमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, कि फुटबॉल की अंडर 17 वोमेंस के लिए वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज होना था, और इस बार होस्ट था इंडिया। तो इंडिया के अंदर 5 शहर थे, गुवाहाटी, नवी मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, कोलकाता, जहाँ पे नवंबर के महीने में वर्ल्ड कप होना था अंडर 17 वोमेंस का, 2 नवंबर से 21 नवंबर तक। लेकिन इसको अभी पोस्टपोन कर दिया गया है, इसको अभी जो है फर्दर नोटिफिकेशन तक इनको पोस्टपोन रखने की बात कही गई है। तो होस्ट इंडिया था लेकिन अभी पोस्टपोन है। फीफा बेसिकली होता क्या है, तो फेडरेशन इंटरनेशनले फुटबॉल एसोसिएशन, FIFA, फेडरेशन इंटरनेशनले फुटबॉल एसोसिएशन, जिसके एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1904 के अंदर, और इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसका हेड क्वार्टर है ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड। भारत आज़ादी के बाद 1947 के बाद कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया है या नहीं खेला है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। इसके डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं स्पेन अंडर 17 वोमेन वर्ल्ड कप का, जो स्टार्ट हुआ था 2008 के अंदर, और 2018 का जो चैम्पियनशिप है वो स्पेन का है, और 2018 का ऑर्गेनाइज हुआ था यूरोगवे में। तो ये चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है। दूसरा सिमिलर टाइप का ही न्यूज़ है, अंडर 20 वोमेंस वर्ल्ड कप फीफा के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। ये ऑर्गेनाइज होना था पनामा कोस्टारिका में, कोस्टारिका के पनामा शहर में, ये भी कैंसल्ड ही है। ठीक है, करंट चैम्पियन है जापान, जो कि आपका फ्रांस के अंदर हुआ था 2018 में, तो इसको भी कैंसिल किया गया है COVID-19 कोरोना वायरस के पेंडेमिक नेचर को देखते हुए। उसके बाद एशियन यूथ गेम्स जो है आपके पास 3rd एडिशन होना है, ठीक है, नवंबर 2021 चाइना के अंदर। ये भी 4 साल में एक बार होता है, सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 2019 के अंदर सिंगापुर में, फिर 2013 में चाइना के अंदर, और एशियन यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज करता है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, और प्रपोज्ड है 2025 का एशियन यूथ गेम ताशकंद उज़्बेकिस्तान। तो एशियन यूथ गेम्स 3rd एडिशन कहाँ पर होगा, तो चाइना में होगा। कब होगा, तो नेक्स्ट ईयर नवंबर के अंदर, 4 साल में एक बार होता है। सबसे पहला सिंगापुर में हुआ था, 2013 में चाइना के अंदर हुआ था। तो ये आपके एशियन यूथ गेम्स हैं। एक होता है वर्ल्ड गेम्स, ठीक है, वर्ल्ड गेम्स जो है ये आपका होना था बर्मिंघम अलबामा में 2021 के अंदर। ये प्रत्येक ओलंपिक के नेक्स्ट ईयर होता है, कि जो भी गेम्स आपके ओलंपिक के अंदर नहीं हैं उन सारे गेम्स को इन्वॉल्व किया गया है वर्ल्ड गेम्स के अंदर। ये होना था 2021 में, लेकिन अब चूंकि ओलंपिक 2021 में होगा तो इसको फर्दर पोस्टपोन करके 2022 कर दिया गया है, क्योंकि सेम ईयर में ओलंपिक और वर्ल्ड गेम्स नहीं होते हैं। सबसे पहला हुआ था 1981 में USA के अंदर, और इसमें लगभग 32 स्पोर्ट्स होते हैं जो ओलंपिक का हिस्सा नहीं होता है। 2025 का प्रपोज्ड है चेंगडू चाइना के अंदर, और कौन इसको करवाता है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम एसोसिएशन IWGA ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड गेम्स को करवाता है।
2017 में रॉक लॉ के अंदर हुआ था पोलैंड में, और सबसे ज़्यादा मेडल जीता गया था वर्ल्ड गेम्स 2017 के अंदर रसिया के द्वारा। तो वर्ल्ड गेम्स भी अब जो है कब होगा आपके पास, तो 2022 के अंदर, कहाँ पे, बर्मिंगम अलबामा, और 2025 में प्रपोज्ड है चेंगडू चाइना। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट को भी पोस्टपोन यानी कैंसिल कर दिया गया है इस ईयर के लिए, जो कि शेड्यूल था 20 जून से 12 जुलाई 2020 लंदन में, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से इसको भी कैंसिल कर दिया गया। सबसे पहला विंबलडन हुआ था 1877 में, ये यूके का एक ग्रैंड स्लैम है, तो विंबलडन यूके के अंदर होता है आपके पास लंदन में। इसको पहले भी कैंसिल किया गया था वर्ल्ड वॉर के वजह से 1915 से 18 तक, और फिर 1940 से 45 के बीच में। अभी करंट चैम्पियन है नोवाक जोकोविच, ठीक है, मेल्स के अंदर, और फीमेल्स में सिमोना हेलप। सबसे ज़्यादा मोस्ट सिंगल जीतने वाले हैं रोजर फेडरर, जिन्होंने 8 बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, और फीमेल के अंदर मार्टिना नवरातिलोवा, जो कि 9 बार विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जीत चुके हैं। फिर है फीफा कोविड-19 कैंपेन, एक इम्पॉर्टेंट है कि फीफा ने भी अवेयरनेस फैलाने के लिए इंडिया के अंदर से सुनील छेत्री, जो इंडिया के फुटबॉल कैप्टन हैं फुटबॉल टीम के, उनको सेलेक्ट किया गया है किस चीज़ के लिए, तो कैंपेन के लिए। तो इंडियन फुटबॉल कैप्टन सुनील छेत्री, और इस कैंपेन को क्या कहा गया है, तो पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। इसमें जो हाथ धोने का है, हैंड वॉशिंग, खास हाथ से फेस को नहीं छूना, कफिंग के समय जो है रुमाल या टिश्यूज रखना, फिज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, स्टे एट होम, इन सारे के ऊपर लोगों को जागरूक करने का काम दिया गया है। और वीडियो, एक ये जो कैंपेन है वो वीडियो फॉर्मेट में होगा, मैसी वगैरह भी जो हैं उसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो भारत की तरफ से सुनील छेत्री, तो ध्यान में रखेंगे हम लोग। टोक्यो ओलंपिक जो होना था आपके ओलंपिक 2020 में टोक्यो में, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है 2021 के लिए, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने नाम को विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस क्राइसिस। तो ये जो समर ओलंपिक है वो प्रत्येक 4 साल में होता है, जबकि विंटर ओलंपिक जो है 2 साल में होता है। और इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसकी फॉर्मेशन की गई थी 1894 के अंदर बैरन पियरी डी कॉबर्टिन के द्वारा, और मॉडर्न जो है आपका सबसे पहला स्टार्ट हुआ था 1896 एथेंस में। कहा जाता है थर्ड और से सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक ग्रीस के अंदर जो है इस तरह के स्पोर्ट इवेंट्स हुआ करते थे। इसको भी ऑलरेडी 1960, 1940 और 1944 में कैंसिल किया जा चुका है किस चीज़ के लिए, तो जो है वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन था इस वजह से। तो टोक्यो ओलंपिक भी अब जो है नाम इसका 2020 ही रहेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज होगी वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 के अंदर। ये पहले की न्यूज़ है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था मेलबॉर्न के अंदर 8 मार्च 2020 को, और जो है इसमें इस बार के विनर हैं ऑस्ट्रेलिया और रनर अप इंडिया। T20 वर्ल्ड कप मैन की अगर हम लोग बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 2007 के अंदर, सबसे पहला साउथ अफ्रीका के अंदर, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हरा करके ये जीता था, और लास्ट 2016 के अंदर हुआ है वो इंडिया में हुआ था, लेकिन उसके जो विनर्स थे वो थे वेस्ट इंडीज़। तो इसको कर लेंगे, थैंक यू।